स्वीट डिजायर कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यास्मीन ईडरिया आज आपको सिखाने जा रही हूँ एगलेस न्यूटेला ब्राउनी। लेट्स स्टार्ट। ये ब्राउनी बनाने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है, आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं सब रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जैसे ये बटर है, दही है, दूध है, नटेला है, सब चीज रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। ये 110 ग्राम मैदा है, 1/4 कप कोको पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 25 ग्राम हेजलनट का पाउडर है। देखो ऐसा हेजलनट आता है, अगर आपके एरिया में ये हेजलनट नहीं मिल रहा है आप बादाम का पाउडर यूज कर सकते हो। 25 ग्राम है ये। अच्छे से मिक्स कर देंगे ये सब चीज ड्राई आइटम। पैन में 80 ग्राम न्यूट्रीलाइट बटर लिया है, वो डालूंगी। इसके साथ 80 ग्राम नटेला, 70 ग्राम डार्क कंपाउंड, 70 ग्राम मिल्क कंपाउंड। इसको गर्म करना है सब मेल्ट होने तक। अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद गैस बंद कर दो और 60 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे। और उसको ठंडा होने दो। इसके बाद ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आए उसके बाद हम बड़े बोल में ले लेंगे। हंड्रेड ग्राम अमूल दही है, दही ऐसा लो जो खट्टा ना हो, इसे अच्छे से मिक्स करो फिर वो डालो। फिर इसमें डालेंगे ये ड्राई वाला मिक्सचर जो स्टार्टिंग में मैदा कोको पाउडर वो सब मैंने छान के रखा था, वो वाला पूरा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/4 कप मिल्क, 8x8 इंच का स्क्वायर टिन लिया है, इसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी। हाथ से या ब्रश से इसको ग्रीस कर दो, हाथ से करेंगे तो अच्छे से हर कोने में जाता है। इसकी साइज का पार्चमेंट पेपर मैंने काटा है, आप बटर पेपर भी ले सकते हो, वो अंदर रख देंगे।
थोड़ा ऑयल, अब हम इसमें ये पूरा बैटर डाल देंगे। टेप करो, नटेला है ये। हंड्रेड ग्राम नटेला था ये। अब इसको हम ऐसे स्वील करेंगे। वन एटी पर ओवन को प्रीहीट करो और 20 से 25 मिनट तक इसको बेक करना है। मेरे ओवन में उसको बेक होने में 180 डिग्री पर 25 मिनट लगा है। फिर ये न्यूटेला ब्राउनी रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर उसको ऐसे ही फ्रीज में रख दो एक घंटे के लिए। एक घंटे के बाद हम इसमें से बाहर निकालेंगे और स्क्वायर पीस में कट करेंगे। फ्रीज में रखने से क्या होगा कि स्क्वायर कटिंग अच्छे से होगी। तो बनकर रेडी है एगलेस न्यूटेला ब्राउनी।